नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RRB ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो सेकेंड रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में आज की ये न्यूज़ पर एक नज़र या डिस्कस से चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो खबर दी गई है यह दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की नज़र है। ठीक है, हिंदुस्तान जो कि न्यूज़पेपर आता है, इससे यह न्यूज़ प्रकाशित की गई थी। ठीक है, यह दोस्तों कब प्रकाशित की गई थी? दोस्तों यह 26 नवंबर को प्रकाशित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, कुछ नए इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले कहा गया है कि RRB ALP रिजल्ट 2018 आने वाला है। रिवाइड RRB ALP टेक्नीशियन CBT रिजल्ट, जो कि एक बार कैंसिल या रद्द हो चुका था, भाई दोबारा से जारी होने वाला है। दोस्तों और जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या इसमें दी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि RRB असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन से CBT का संशोधन परिणाम परीक्षा परिणाम बहुत जल्द जारी हो सकता है। ठीक है, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक रेलवे ग्रुप CALP व टेक्नीशियन के पहले चरण के CBT का संशोधन परिणाम इस सप्ताह जारी हो सकता है। ठीक है, और RRB ALP टेक्नीशियन रिजल्ट 2018 जारी होने पर उम्मीदवार अपने RRB की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप CALP और टेक्नीशियंस का भर्ती परीक्षा परिणाम जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट था वह दोबारा जारी करने का फैसला किया था। ठीक है, यानी पहले जो यहाँ पर रिजल्ट किया गया था वह कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों इसके बाद दोस्तों ALP और टेक्नीशियन CBT परीक्षा फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट और आंसर की दोनों 2 नवंबर को जारी किया गया था। ठीक है, यानी 2 नवंबर को यह जारी किया गया था, जिसमें बाद में इसमें इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट क्यों रद्द किया गया? दोस्तों कुछ उम्मीदवार ऐसे थे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपत्ति जताई थी, जिससे रेलवे ने पूरे मामले में फिर से विचार करने का फैसला किया था। इसलिए इसमें यह रिजल्ट घोषित किया गया था जो वह रिजल्ट रेलवे ने घोषित की थी, उस रिजल्ट को रिवाइंड यानी कि रिव्यू करने के लिए इसे फिर से, या फिर पहला बार रिजल्ट था वह रद्द कर दिया गया और दोबारा से इसको इशू करने या फिर आप चेक करके नया रिजल्ट बनाने की घोषणा की थी। इसलिए पहला रिजल्ट जो था वह रद्द कर दिया गया था दोस्तों। इसलिए इसी दिसंबर में है रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यानी कि लगभग इसी हफ्ते में रिजल्ट जल्दी जल्दी आने वाला है ALP का, और दोस्तों बहुत जल्द से जल्दी परीक्षा भी हो जाएगी। यानी कि आपकी 12 जो परीक्षा होने वाली थी CBT 2 की, यह 12 दिसंबर से ना होकर अब 24 दिसंबर को होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यह बढ़ भी सकती है, यह कंफर्म नहीं है कि 24 होगी, यह बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।